सामने जर शरीफ है, इसका का जो बड़ा मकान है इससे भी जिंदगी गुजारी है। जी जी जी। और मेरा वालिद अजी बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको इसमें मुबारक मियाँ निज़ामुद्दीन का तजवीज़ हुआ था, पहले जिस पर वे पैदा आए हैं तो उनको ना बाबा जी साहब के उनके औलाद घाट हो गए थे, उन्होंने अपना मुर्शिद का गई या दरख्वास्त की कि सरकार मारा घट औलाद घट हुए, बाप ने कदे भूत का सिर पर सिर अपनी हो नहीं देखा। आपने फरमाया अपने बचा उन में फलों को डाल गए, हूँ एक शहर आबाद हो गया सी, तो पुत्रों के ब्याह करार सन, पुत्र पियाँ के ब्याह करार सन। जी जी। अल्लाह औलाद था उनको पहला साहबजादा मियाँ रुकने आलम वाहमन मजली जार नीली छत बूटा या थी मारा ताया अरे 5-6 साल की उम्र में फौत हो गया जी साहब, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। उसके बाद मेरा बाबा साहब पैदा होया, बाबा जी साहब ने बाकी लोगों ने लेकिन खुद बाबा जी साहब ने मियाँ अब्दुल लतीफ ना तजवीज़ की, तो रस्ता बंद था जैसा खुले अपना मस्जिद खुले गया, तो जैसा गया तो उन्होंने छुटते ही पूछे कि बच्चा की औलाद है, आपने अर्ज करी कि हजरत एक लड़को है उसका कह ना रखा है, सरकार उसको ना अब्दुल लतीफ रखे, तो कुछ देर मुराकबा मर गया, फिर सिर मुबारक उठाए मौला का ना बचा बड़े मुझ सारे ना पहले फरमाया कि बच्चा अज पुत्र बटाल सा मने मुझ सारे ने तू चा के थोड़ा एक है तो मुख चा दे, हूँ वो पुत्र भी मरा तो ना भी मरा, बाबा जी साहब मियाँ अब्दुल लतीफ को ना लेकर अपने मुर्शिद को ले गया, मुर्शिद ने अपना ना अपना अपने वाले किया, तो मियाँ निज़ामुद्दीन ना लेकर वे वापस आया। फिर मियाँ निज़ामुद्दीन की गल कित सुनो, फिर ना मेरे होश रह गई ना तुम सुनो ना।